So, स्वीटी मैम, जानना चाहेंगे कि एक वीडियो देखा जो कि आपने भी और रोशनी ने भी अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है, क्या था पूरा मामला? और वो वीडियो काफी डरावना है, वो देख करके काफी काफी एकदम हॉरेबल है। जी, काफी भयानक एक्सपीरियंस था और मैं चाहूंगी कि कभी भी एक्सपीरियंस किसी के साथ ना हो, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे होते हैं चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, और जब आप हवा में होते हैं तो ऑब्वियसली जो सिचुएशन होती है वो और पैरानॉइड हो जाती है, कि अगर आप जरा सा भी घबराते हैं और आपको लगता है कि अब क्या होगा अगर मेरे साथ ज्यादा कुछ खराब हो गया, तो आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस था। हम गो फर्स्ट GA 2316 से ट्रैवल कर रहे थे। कल की हमारी टिकट थी 14 तारीख की, फ्रॉम देहरादून टू मुंबई, और जैसे ही हम बैठे बहुत गर्मी थी, और हमने तभी एयर होस्टेस और क्रू को बोला कि आप प्लीज पायलट को बोलिए कि AC नहीं चल रहा है और बहुत गर्मी। उन्होंने बोला नहीं, अभी चलेगा अभी चलेगा, और इस तरीके से फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, और आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, AC चलने का नाम नहीं ले रहा है, और इतनी ज्यादा गर्मी अंदर, और तभी बेचारे पीछे से शख्स आए जिनकी वाइफ की कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर पेशेंट हैं, उनको बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी और वो सांस नहीं ले पा रही थी, वो बेचारे कंप्लेन करने लगे कि आप लोगों ने क्यों फ्लाइट टेक ऑफ करी, और वो खुद भी वकील थे बेचारे, उनकी वाइफ काफी खराब थी। इतने में अभी ये सब थोड़ा सा सेटल हो रहा था, वो बेचारे कैसे कैसे अपनी वाइफ को पंखा वंखा झल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इतने में पीछे से एकदम से एक लेडी फेंट हो गई, बिल्कुल गिर गई, और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और वो पीछे थी। अभी 10 मिनट हम लोग आगे से देखते रहे, फिर हमारी सबसे आगे वाली सीट थी, तो उसमें जो मेरी दूसरी बेटी की सीट थी उसमें थोड़ी सी हवा आ रही थी, तो फिर उन्होंने बोला मेरी बेटी ने कि आप मेरी सीट उनको दे दीजिए, आप प्लीज मॉम उनको लेके यहाँ आइए, पीछे बहुत ज्यादा, और पूरी फ्लाइट एकदम खचाखच भरी हुई थी, और फिर मैं उनको जाके लेके आई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, वो लेडी की बहुत ही बुरी हालत थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, और बहुत रो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, उनके हस्बैंड और बच्चे साथ में नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उनको जैसे तैसे हम आगे लाए, इस तरीके से काफी लोगों की वहां तबीयत खराब हो रही थी, देहरादून एयरपोर्ट पे भी AC नहीं चल रहा था, तो कल का जो पूरा वाकया है बहुत खराब था। बट मेरी समझ से मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हर इंसान जो इतने पैसे दे रहा है उसको डेफिनेटली अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, और ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीमीटर नहीं था इनके पास, कैसे कैसे हमने अनाउंस करके लोगों से मांगा, किसी एक शख्स के पास ऑक्सीमीटर मिला, उसने सेल नहीं थे, फिर हमने सेल के लिए अनाउंसमेंट करी, थैंकफुली एक डॉक्टर थे BMC में के कोविड हॉस्पिटल के, उन्होंने हेल्प करी, लेकिन हमारे पास कुछ एक्चुअली था नहीं कि हम कुछ कर सकें, बस ये है कि हम रिलैक्स कर सकते थे लोगों को, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, ये मैं जानना चाहती हूँ, और ये मैं आपके थ्रू एक मतलब मैसेज एयरलाइंस को देना चाहती हूँ कि मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ तक कि गोएयर में मैं हैरान थी कि रैंप नहीं था, सीढ़ियों पे व्हीलचेयर पेशेंट को उठा उठा के लेके जा रहे थे, कितना डेंजरस है, तो ये मैं मतलब पूरे सिस्टम से पूछना चाहती हूँ, क्या एक रैंप जरूरी नहीं है व्हीलचेयर पेशेंट के लिए? आई मीन फॉरेन कंट्री में कभी भी ऐसा कोई सुनेगा भी नहीं ना देखेगा कि व्हीलचेयर पेशेंट को 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब क्या है हमारा सिस्टम, क्यों है ऐसा, बस मेरा यही जानना। तो जो फ्लाइट क्रू मेंबर्स थे उनके थ्रू कोई आश्वासन दिया जा रहा था कि कुछ बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ हुआ था? वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, और जो क्रू मेंबर्स थे वो बेचारे स्वीट थे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे वो क्या करेंगे, बट ये कॉल तो कैप्टन का होता है, वो लोग तो छोटे छोटे हैं, वो अपनी तरफ से बेचारे जो कर पा रहे थे कर रहे थे, दे वर हेल्पफुल, बट कैप्टन को ये कॉल लेना चाहिए था कि अगर AC खराब है, बिकॉज ये मतलब बाय लॉ होता है कि कैप्टन के पास अथॉरिटी है, कैप्टन अगर बोल देंगे कि ये एयरलाइन में गड़बड़ है, AC नहीं चलेगा, या कुछ मोटर सही नहीं चल रही, इंजन सही नहीं चल रहा, तो कैप्टन का कॉल होना चाहिए कि वो फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करनी चाहिए। तो फाइनली ओवरऑल जब तक जर्नी रही तब तक AC काम नहीं किया, या फिर अचानक से सब कुछ सही हुआ, या फिर क्या हुआ था? नहीं नहीं अचानक से कुछ सही नहीं हुआ, जब बिल्कुल बॉम्बे लैंड करने वाले थे तब थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक वो टेम्परेचर चेंज भी हुआ, बिकॉज वहां बहुत गर्मी थी, देहरादून में उस रीजन में बहुत गर्मी थी, और इधर नहीं थी, उत्तराखंड और UP में आपको मालूम है कितनी गर्मी चल रही है, और जब वो सिर्फ टेम्परेचर रीजन वाइज चेंज हुआ तो कुछ बेटर हुआ, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था, और मतलब बहुत बुरी हालत थी, और बस हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले की कि हमारे कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते, वैसे तो हम ये भी घटना नहीं भूल पाएंगे, लेकिन बस थैंकफुली वो दोनों महिलाएं सेफ निकल गई, बस दैट्स इट। लास्टली कोई कोई कंप्लेन करने का मन बनाया आपने या कुछ किया है अभी तक आपने?
जी, हमने ये सोशल मीडिया पे तो डाला ही, और आज हम ईमेल भी करेंगे, और कल भी मैंने वहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ थे उनको बोला कि जो एटलीस्ट कीमोथेरेपी वाली पेशेंट थी उनकी आज सुबह की फ्लाइट वापस नासिक की थी, मैंने बोला आप लोग इनको होटल दीजिए, कुछ दीजिए, डॉक्टर की ट्रीटमेंट दिलवाइए। लेकिन सबसे बुरी बात है कि पहले तो कॉल सेंटर हर चीज के लिए होता है, ये प्लीज आपके जरिए मैं बोलना चाहती हूँ, कॉल सेंटर जब टिकट बुक करानी होती है, कैंसिल करानी होती है, हर चीज के लिए कॉल सेंटर है, लेकिन अगर आपको कंप्लेन करनी है तो उसके लिए कोई कॉल सेंटर नहीं है। कंप्लेन के लिए आप मेल करिए और मेल से वो लोग आपको जवाब देंगे। ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है कि नीचे ग्राउंड में कोई नहीं था, मैंने बोला अगर यहाँ कोई घटना हो जाती तो भी आप ये बोलते कि मेल करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही अजीब सा एटीट्यूड है, मतलब मेरी समझ से बाहर है इनका एटीट्यूड। ओके मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी इज फीलिंग सो हर्ट।